हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। तो आज हम लोग जिस वीडियो को देखने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है आपका मोहब्बत पाके मेरा ये जन्मदिन और स्पेशल हो गया हीट मशीन भैया। तो हीट मशीन से आप लोग समझ गए होंगे कि ये किसका मतलब किनका वीडियो है, किनके वीडियो पर मैं रिएक्ट करने वाली हूँ। तो हाँ, चलिए मैं बताती हूँ, ये खेसारी लाल यादव का वीडियो है और ये वीडियो जो है अखिलेश कश्यप के बर्थडे केक काटते हुए है ना रिकॉर्ड किया गया है। अखिलेश कश्यप के लिए क्या क्या बातें बोल रहे हैं उनके बर्थडे स्पेशल डे पर हमारे खेसारी लाल यादव। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को प्ले करते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है सभी वीडियो की तरह सुपर्ब है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को प्ले करते हैं। रेडी, ये अखिलेश जी हमारे राइटर हैं और हमारे ब्राह्मण कुल के इंसान भी हैं, तो आशीर्वाद तो नहीं दे सकता लेकिन दुआएं कर सकता हूँ कि आजीवन ऐसे ही लेके काटता रहूँ, जब तक इस धरती पर मैं रहूँ तब तक अपने बाबा का के काटते रहूँ। बड़े भाई तो है ही हैं बट बाबा भी हैं, तो आज मैं हम ऐसे जगह पे काट रहे कि हम लोगों से बहुत खूबसूरत लाने वाली सिप्रा गोयल और ईशांत पाजी जो कि और हमारी हम सबकी गार्जियन हमारी अम्मा जो कि हम लोग को अभी खाना खिलाई इन्होंने और बड़ा प्यारा खाना था। मैं रात को खाना खाता नहीं बट इनके हाथ का बना हुआ था और इन्होंने बड़ा प्यार से बनाया था अपने बेटे के लिए, तो मुझे खाना पड़ा और मैं खाया। ये हमारे मैनेजर साहब, ये कृष्णा विद्यार्थी जी जो कि आपको ये पर्चे का मोहताज नहीं, इधर हमारे सोनू भैया, सोनू पांडे जी, इधर ईशान पाजी हैं, ईशान पाजी हैं, मतलब पूरी की पूरी टीम है इनके। अब बर्थडे देखिए कितना मतलब साधारण तरीके से एकदम जो बोलते हैं ना, इधर है ये दोनों इधर है, ये एनडीए सबसे इन सारे लोगों में सबसे खूबसूरत इंसान इधर है, दिखा जो कि हम सबसे प्यारा है। और बाबा का आज बर्थडे है तो हमारी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, ये मेरा सौभाग्य है कि आज पूजा हमारा हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। और एक और खुशखबरी है, हाँ इंडस्ट्री में है हम बट ईशान पाजी से मेरा जो रिलेशन है वो कंपनी और एक आर्टिस्ट का नहीं, एक बड़े भाई और एक छोटे भाई का। और सिप्रा जी हम लोगों की दोस्त हो सकती हैं सिर्फ गाने में बट एक रिलेशन है क्योंकि बड़े भाई हैं और सिप्रा जी इनकी वाइफ है, तो आप समझ ही सकते हैं मैं अपने मुंह से नहीं बोलूँगा। और इनका एनिवर्सरी है आज ही के दिन, इन लोगों ने शादी किया था, तो मेरे तरफ से पूरी भोजपुरी समाज की तरफ से 42 करोड़ जनता की तरफ से मैं हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी आप दोनों के लिए, कैसे ही आप लोग खुश रहें और ऐसे ही अच्छे अच्छे गाने देते रहें, क्योंकि इनके कंपनी से मेरा गाना आया था रोमांटिक राजा और आप लोगों ने बहुत प्यार किया था, ट्रेंडिंग में गया था और आज भी वो चलता है क्योंकि मैं और हमारी गार्जियन ही, क्योंकि गायकी के मामले में आपको तो पता ही कि मैं क्या गाता हूँ लेकिन इनकी कंपोजिशन, कुणाल जी की राइटिंग और सबका एक जो भी म्यूजिक डायरेक्टर, जो भी हमारे म्यूजिक डायरेक्टर कौन, अभिजीत बगानी जी, वो सब ने बहुत अच्छा काम किया था। और हमारे जो डांस कोरियोग्राफर थे मुदस्सर खान, उन्होंने कमाल का काम किया था, हम लोगों ने 24 घंटा काम किया था और एनर्जी के साथ काम किया था। तो और बहुत सारे गाने ब्लू बीट के, ब्लू बीट स्टूडियो से तो एक ही गाना आया है ब्लू बीट भोजपुरी, भोजपुरी अभी कबार के रखा है, इधर थोड़ा पैसा कम है उड़ी के कमर अमर हो जा मुंह मर जा। हम साल के चुनिंदा गाने लेके आते हैं पर बड़े गाने लेके आते हैं, और ब्लू बीट भोजपुरी तो आपके घर की कंपनी है ना, उस पर तो गाने आते ही रहते हैं। उड़ के कमर के राइटर और बंदर डालेगा अंदर, बंदर डालेगा अंदर, मुम्मर और राजा जी वो भी बहुत रील पे बहुत ट्रेंड कर रहा है,
तो बस ब्लू बीट को और ब्लू बीट स्टूडियो को दोनों का प्यार दीजिए, क्योंकि इनके साथ जो मेरा गाना आएगा वो थोड़ा सा क्लासिक होगा और अलग लेवल पे होगा। इधर तो कुछ भी चल तो बस ऐसे ही प्यार देते रहिए। और बाबा को आप लोग हैप्पी बर्थडे टू यू बोलिए। हैप्पी बर्थडे टू यू बाबा, मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं बाबा। बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू भैया। एक काम करिए ना, बेलचा से निकाल के दीजिए। ये मेरा सौभाग्य है कि पहला बार भैया मेरा केक काटे हैं। केक काट भी दिए। लव यू ऑल। चलिए इस वीडियो में जो है खेसारी लाल यादव क्या क्या अपनी जितनी भी टीम है उनकी गाना गाने की, जिस चैनल पे उनका गाना रिलीज होता है, जो गाना लिखते हैं, उन सभी का जो है इंट्रोडक्शन कराया। ठीक है, साथ ही साथ एक भाभी है इनकी जो इन्होंने बताया, बस ये बोल दिया कि हाँ आप लोग रिलेशन समझ सकते हो कि कैसा होगा, तो भैया हैं तो भाभी होगी, है ना। और सभी चीज़ें जो हैं इस वीडियो में हम लोगों को पता चली है कि किस चैनल पे किस तरह के गाने आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इंतज़ार कीजिए। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय।